चलो अच्छा क्या कर रहे हैं? पेपर? अच्छा पेपर में से पेपर देखो, उसने दोनों बार सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, दोनों बार वो चलो सेम ही है, ठीक ये दोनों पेपर ही सेम है, पेपर ही सेम है। भी सेम आने की आई बात है। वो अच्छा 18 वाला मैंने भेजा था, उसमें आया होगा ज्योमेट्री वाला। 18 का ना वो, एक तो ये इसकी डेरिवेशन आई हुई है और दूसरा वो ये सेम आया हुआ है। वो देखो जरा चेक करो उसको, उसने कहा 12 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल वही हो गए। इनिशियल पेमेंट आ गई ईयर 0 पे, हर साल 2 लाख स्टार्ट हो रहा है और ईयर 6 तक होगा। ड्रॉ ड्रॉ कर दूं कि इस तरह ही ठीक है? ठीक कर लेते हैं इधर। है ये देखो, ईयर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है ईयर 12 तक वो कह रहे हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास है 950000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ गई। अब वो क्या कह रहा है आगे कि एनुअली 2 लाख हो रहा है फर्स्ट इन 6 ईयर्स। 1 2 3 4 5 6, 6 साल तक वो हर साल 2 लाख रुपये दे रहा है। 2000000 ठीक हो गया। अमाउंट विल बी इंक्रीज बाई 8% फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। कि अगले साल से अमाउंट्स इंक्रीज हो रही हैं और वो जितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है, और आखिरी 6 साल मतलब 7 8 9 10 11 12, ये 6 ईयर्स के लिए ना अमाउंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है ठीक कितने परसेंट? 8% आई 12% जी इज इक्वल टू 8% आई इज इक्वल टू 12। वही सेम क्वेश्चन है, बस आई और जी की वैल्यू को उसने चेंज कर दिया है, पहले सेम ठीक है जी ठीक है 12 था इधर, इधर G8 हो गया, बाकी सारा सेम है। ये तो अगर नहीं देखो, आ रहे कल हाँ भी यही आ रहे। यही सारा तीनों वो यही पूछा हुआ है। तो ये देखो इसमें क्या करना है, पहले अब बस देखो पहले 5 ईयर्स के लिए इसको PA बनाओ तुम, ठीक है फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। 6 ईयर वाला हमने ज्योमेट्रिक में यूज करना है इसलिए उसको हमने बनाया। ठीक है और सिक्स फिर से फाइव आगे का वो, हाँ ये वहाँ पास बन जाएगा जी आ पी गया स्मॉल जी। स्मॉल जी आ गया। हाँ फिर इसको कन्वर्ट करना है हमने ये पी डैश में, इसकी प्रेजेंट वर्थ निकाल लेना, ये पी जी फ्यूचर है इसका प्रेजेंट निकाल लेना। ठीक है और सालवेज वैल्यू इसमें उसने दी नहीं हुई, तो बस 9500 प्लस PA प्लस पी डैश वहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है ठीक है समझाइए, सेम ही आ गया सारा सही। ये इधर मेरे ख्याल से इस तरह का बुक में भी होना चाहिए, मुझे जब तक यहाँ तक याद है कि बुक में था बिल्कुल उसमें सीमेंट प्लांट के एग्जैक्टली। नाम से कंपनी के नाम से उसके बस हाँ कुछ इस तरह का बिल्कुल ना एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन होता है बुक में, जो सर ये बुक से ही लिया हुआ है मेरे ख्याल से। तो अच्छा जी अच्छा मैं वो आप कह रहे थे अगर फ्यूचर सबको 12th ईयर में कन्वर्ट करना है पहले प्रेजेंट में करके फिर उसकी जो हम उस पे फॉर्म लगा देंगे फ्यूचर वर्ड्स वाला। बिल्कुल, ये पी आ गया पास, वो पी डैश प्लस PA प्लस ये 950। अब इसका फ्यूचर निकालना है, फ्यूचर क्या होता है पी इंटू 1 प्लस I की पावर n। तो n है उन्हें क्योंकि 12th ईयर में निकालना, तो 12 यूज़ करोगे आई तो वो 12 ही रहेगा, वो 12% वही रहेगा, बाकी वो ठीक सेम। है ठीक है और तो बस यही इसमें आ रहा है, बाकी वो देख लेना कि वो डेरिवेशन कैसे है। डेरिवेशन अगर देखो इसकी तो सिंपल है, भी आई हुई है हम 18 वाला पेपर है उसमें सीरीज की भी हर साल यही आई थी ना ज्योमेट्रिक सीरीज आई थी। तो ज्योमेट्रिक सीरीज किस तरह होती है कि फर्स्ट ईयर 0, ये पहले साल क्या होगा हमारे पास वैल्यू कौन सी आएगी, एनुअल वर्थ वाली याद है ए आ गई आई। वैल्यू। पर एक उसने A1 लिया हुआ है, हम A1 ले लेना चल।
दूसरे वर्ष दूसरे साल क्या हो गए? 1 2 3 4 1 2 3 4 until n years तक हम देख रहे हैं. दूसरे साल क्या होगा? a1 की वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी कि क्या बनेगी? a1 into 1 plus g, ये जो फैक्टर है उसके साथ हमारी वैल्यू इंक्रीज हो रही है. थर्ड ईयर क्या होगा? 1 plus g का स्क्वायर स्क्वायर हो गया, ठीक हो गया. और फोर्थ ईयर क्या होगा? a1 1 plus g की पावर 3 n minus 1. हाँ बिल्कुल, a1 1 plus g की पावर n minus 1. ये पता चल गया ना कि अगर 4 है तो हमारे पास 3 पावर आ रही है, अगर n हो तो हमारे पास एक कम आ रही है. बिल्कुल, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसकी हमारे पास pg आता है इधर, तो pg क्या होगा हमारे पास? अच्छा, इससे पहले हमारे पास फ्यूचर का फॉर्मूला क्या होता है? f is equal to p into 1 plus i की पावर n, ऐसे ही है. p क्या होगा हमारे पास? f over 1 plus i की पावर n. ये फॉर्मूला याद कर लेना, मतलब ऊपर वाला ये हर जगह ये यूज होता है. ठीक है, तो अब हमने ना जो ये सारी वैल्यूज है ना pg की फॉर्म में लिखना है, मतलब सबको ना प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. सारी वैल्यूज डिफरेंट है तो हम इकट्ठा नहीं कन्वर्ट कर सकते, हमें हर वैल्यू को अलग अलग कन्वर्ट करना है. तो pg क्या होगा? pg इज इक्वल टू पहली वाली वैल्यू कन्वर्ट करो. पहली वाली की वैल्यू क्या है? a1. तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है? ये f की जगह a1 ना जगह 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई रह गया. n क्या लेंगे यहाँ पे? एक साल है तो 1 आ गया. ठीक है, सेकेंड वैल्यू वैल्यू को कन्वर्ट करो. वो वैल्यू क्या है? a1 1 प्लस जी, a1 इंटू 1 प्लस जी, नीचे क्या 1 प्लस आई की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 साल हो गए. इसका तीसरी क्या आएगी? a1 1 प्लस जी पावर स्क्वेयर, वैल्यू ये थी 1 प्लस आई की पावर 3. सो ऑन टेल लास्ट वैल्यू क्या आएगी मेरे पास? a1 1 प्लस जी की पावर n माइनस 1 और 1 प्लस आई की पावर n. ठीक है, क्योंकि n ईयर्स हो गए थे तो हमने नीचे n लिख दिया. तो इधर सब में से a1 कॉमन ले लो, क्या बना? pg इज इक्वल टू a1 1 ओवर 1 प्लस आई प्लस 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी स्क्वायर ओवर 1 प्लस आई का क्यूब प्लस सो ऑन टिल 1 प्लस जी की पावर n माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई की पावर n. वो वाली वैल्यू एक कम है, नीचे वाली वैल्यू एक ज़्यादा है. अच्छा, अब इसके बाद आगे क्या करना है? जो मैंने याद किया था कि यहाँ पे देखो किस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है ये वैल्यू इसका बनानी हो तो कैसे बनाए हम इसको? 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई से, मतलब इस वैल्यू को ना इस वाली वैल्यू में कट, मेरा मतलब ये था वो नीचे वाली. तो अगर हम मल्टीप्लाई करें 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई से पूरे एक्सप्रेशन को तो क्या बनेगा? पी जी इंटू 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई इज इक्वल टू ए टाइम्स. अच्छा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इधर, इसको मल्टीप्लाई कर पहले क्या होगा? 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी स्क्वायर 1 प्लस आई का क्यूब प्लस तो ऑन टेल लास्ट पहले लिख लेते हैं 1 प्लस जी की पावर एन ओवर 1 प्लस आई की पावर एन प्लस 1. एक ज़्यादा हो गया. ठीक है, कि हमने उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया पूरी 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई के वैल्यू से. तो इसको अगर करो ऊपर वाले को इक्वेशन 1, नीचे वाले को इक्वेशन 2 को, तो अगर 2 माइनस 1 करो तो 2 माइनस 1 क्या होगा हमारे पास? पी जी 1 प्लस जी ओवर 1 प्लस आई माइनस पी जी, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई. राइट हैंड साइड देखो, तो ए तो कॉमन ही है, ए वैसे ही कॉमन ले लो, ए वन वैसे ही आ गया. अच्छा, अगर देखो तो हम ये 2 माइनस 1 करें ना, तो ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी,
ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी सारे दरमियान वाली वैल्यूज भी कैंसिल हो जाएंगी, और ये वाली वैल्यू भी ना कैंसिल हो जाएगी, ये वाली, इसके जो सेकंड लास्ट टर्म अगर हम लिखते ना तो वो सेम यही आनी थी। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सेकंड इक्वेशन की ये वाली टर्म बचेगी बस, और फर्स्ट इक्वेशन की ये वाली टर्म बचेगी, बाकी जो मिडिल वाली टर्म है वो सारी कैंसिल हो जाएंगी। तो सिंपल वो लिख दो कि 1 + g^(n/i)(n+1) - 1 + i, 1 + 1 + i, ये बच गया, ठीक है। तो यहाँ से pg कॉमन ले लो, क्या बचा, 1 + g/(1+i)-1, ये बच गया। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो क्या बनेगा, पी जी 1 + g - 1 + i/(1+i), सिंपल एलसीएम ले लिया, (n+1) - (1+i), ठीक है, ये यहाँ पास फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ इस वाली नीचे बॉटम से हम 1+i कॉमन ले लें दोनों साइड से ना, तो क्या बनेगा, 1+i हम बाहर निकाल लेते हैं, ये (n+1) की जगह n रह जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बस 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने 1+i बाहर कॉमन करके बाहर निकाल दिया, तो 1+i कैंसिल कर दो, ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा माइनस, ये क्या बचा, g - i बच गया। तो पी जी क्या हुआ, (g)(1/g - i)(g - i)((1+g)/(n)(1+i)/(n). तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + g / 1 + i / (n), ऐसे नहीं लिख सकते, -1। तो अब बस उसने लास्ट में क्या किया होगा कि माइनस कॉमन, माइनस को ना मल्टीप्लाई कर दिया, वैसे कॉस्मेटिक चेंज किया हुआ कि इसको माइनस से कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, 1 - 1 + g / 1 + i / (n), और नीचे वाले टर्म को भी 1 से -1 से मल्टीप्लाई करो, क्या बन गया, (i - g). तो ये यहाँ पास फॉर्म डाला, ठीक है, यही आना चाहिए था। तो ये इसका अगर वहाँ पर g और i उल्टे वो डिफरेंट हो तो फिर ये यूज़ करना है, अगर g और i दोनों सेम हो तो फिर ये सिंपल ये है कि फिर तो सारी सीरीज सेम हो गई, हमने कॉमन ले लिया 1+i, बाहर निकला n टाइम्स हो गया, वो आंसर आ गया, ठीक है, ठीक है इसमें, हाँ यही आती है। अगर वो दूसरी वाली देखो ना, वो भी कोई इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है, नहीं ये है, हाँ हाँ ये भी सिंपल सेम ही है, ये देखो, तो इसमें क्या किया हुआ है, ये g, 2g, 3g, 4g वैसा कुछ नज़र आ रहा है ना, याद रखना कि एक साल गैप होता है इसमें, याद रखना हमेशा एक साल गैप होता है। तो g हमारे पास कितना है, वो है, तो सबकी की पहले हमने ना ये जो g है हमारे पास फ्यूचर है, इसकी पहले निकाली, फ्यूचर का पहले फॉर्मूला कहता है (f = p(1+i)/(n), इसमें मैंने कहा हर बार याद करो, ये गैप वाली वैल्यू दिखा दो, गैप वाली कौन था, कि जो हम जो p कैपिटल g निकालते होते हैं ना, ये जीरो पे निकाल रहे हैं उसके, और जो फर्स्ट वैल्यू जहाँ पे हमारे पास कैश फ्लो हो रहा है, फर्स्ट कैश फ्लो, उसके दरमियान एक साल का डिफरेंस होना चाहिए, एक साल कोई कैश फ्लो नहीं होना चाहिए, फॉर्मूला ही हमारे पास इस तरह ड्राइव है, तो इसलिए हम वो, इसलिए हमने याद है वो किया था। यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमारे पास देखो ज्योमेट्रिक, ये अरिथमेटिक सीरीज तो ये भी बन रही है 50, 100, 150, 200, मगर हमने इसको इस तरह के सॉल्व कर लिया कि जो हमारा फॉर्मूला है उसको कहता है कि एक साल गैप होना चाहिए, तो हमने इसे कन्वर्ट किया इक्विवेलेंट एनुअल वर्थ सीरीज और इक्विवेलेंट अरिथमेटिक सीरीज, 50 का कॉमन ले लिया, उससे एक साल पहले साल जीरो आ गया, तो वो जीरो हमें चाहिए था, उसके बाद वो हमने फॉर्मूला लगाए दोनों के, आंसर निकाल दिया, ओके ओके सही है सही। अच्छा ये एक चीज़ वो याद नहीं रही कि
अगर सपोज करो उसने ये प्रेजेंट वर्थ कही हुई है, उसने जो ये 18 वाला क्वेश्चन है ना उसमें उसने कहा हुआ कि एनुअल इक्विवेलेंट एनुअल वर्थ सीरीज पे निकालो, तो उसके लिए भी यही करना है कि सबसे पहले पी निकालना है, पी हमेशा सबसे लिए सबके लिए निकालना है, उसके बाद एफ निकालने की जगह क्या करना है क्वेश्चन में कहा हुआ ए निकालना है, तो ए कैसे निकालते हैं, पी और ए का फॉर्मूला क्या था, पी इज इक्वल टू ए 1 + i^n - 1 1 + i^n i × 1 + i^n, ये फॉर्मूला था, तो ये पी पता है ए निकाल लो बस डायरेक्ट। सही है तो बस इधर भी उसने यही किया कि g का हम देखेंगे सेकंड ईयर में था 1 + i^2 हो गया, ये 2g हमारे पास थर्ड ईयर में था तो 1 + i^3 हो गया, ये साथ सपोज करो प्रॉपर जी जी लिखा हुआ है, तो बाद में हमने कॉमन ले लिया 2g ये 3g 4g सारा कुछ, ये n माइनस जी था वो सॉरी n माइनस वन ईयर में क्या था n - 2g तो n - 1 ईयर आ गया, ये और n ईयर में हमारे पास क्या n - 1g तो n ईयर में हमारे पास क्या n - 1g, फिर उसने g बाहर कॉमन ले लिया है, फिर उसने इस बार हम सब दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया 1 + i^1 + i के साथ, फिर वही काम दोनों को सबट्रैक्ट किया, सारी मिडिल वर्ल्ड टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी जो फर्स्ट और इसकी लास्ट, हाँ इसकी लास्ट उसकी फर्स्ट वो बच जाएगी, वो बचने के बाद थोड़ा सी अरेंजमेंट की है रीअरेंज के पर और कुछ ठीक ठीक होगा ठीक है, इनको सॉल्व जरूर करके देखना सारी कर लो, हाँ जितनी देर तक वो हैंड से प्रैक्टिस नहीं होती ना वो करेक्ट नहीं होता, बाकी और कुछ इसमें यही है सर और कुछ नहीं है। ठीक हो चलो सही है फिर तो, ये सर हाँ ये भी सिंपल है रिसॉल्व, मैडम वाले जो वो सारा उसको याद कर लेना, वो भी मैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट से जरूर पूछ लेती होती है ये कॉन्ट्रैक्ट्स कौन सा है सारा कुछ, ये उधर से यूकेएम वाला सवाल है वो फाइनेंस में से, हाँ वो तो फाइनल है वो तो 12वीं 13वीं स्लाइड है, इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट्स की टाइप है वो फोर्स मेजर वगैरह इस तरह की चीज, हां फोर्स मेजर कौन सा क्लॉज है आजकल उसने वही अप्लाई कर रहा है ना रशिया का, हाँ सही चलो सही है फिर मैं ना